विंटर के टाइम के अंदर क्या होता है कि विंटर के टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि जो वाटर वगैरह होता है, यानी कि उसको हम कम अमाउंट में लेना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है और हमें कॉमन कोल्ड होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, विंटर के अंदर भी एज पर द समर, यानी कि हमें 8 to 10 गिलास ऑफ पर डे हमें लेना चाहिए। अगर आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क मीन्स टू से ऐसा वर्क यानी कि जो आपका, यानी कि जैसे मतलब फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह इस टाइप का कुछ वर्क ज़्यादा रहता है, तो उसके अंदर हमें क्या लेना चाहिए, वाटर हमेशा हमें एक्सेस अमाउंट के अंदर यानी कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि अगर साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वाटर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कॉन्टिमिनेटेड वाटर्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कशन कर। ओके स्टूडेंट, तो अपने सबसे पहले अपने किसके बारे में बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्टिमिनेटेड वाटर, यानी कि कॉन्टिमिनेटेड वाटर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसा वाटर ले रहे हैं जो कि मतलब हमारी बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है, यानी कि कॉन्टिमिनेटेड वाटर है, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, तो हमें काफ़ी टाइप की डिजीज होने के चांसेज रहते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप की डिजीज होने के चांसेज रहेंगे। ठीक है, वो डिजीज कैसे होगी, किसके थ्रू होगी, वायरस के थ्रू हो सकती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजो, वॉर्म्स, पैथोजन्स वगैरह। ठीक है, किस टाइप की डिजीज होती है, कोलेरा, डाइसेंट्री लाइक डिजीज, इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और इससे क्या होगा, यानी कि अगर एक इंसान किसी दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है। लाइक जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। एक पर्सन अगर किसी दूसरे कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी डिजीज होती है। अब देखो, इनसे होने वाली जो मेन जो डेंजरस डिजीज होती है, हेपेटाइटस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस, ठीक है, इस टाइप की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होती है, यानी कि डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अब राजस्थान में क्या हुआ था, एक डिजीज थी, कौन सी, बाला एंड नारू डिजीज। ठीक है, कौन सी डिजीज थी, बाला एंड नारू डिजीज थी। ठीक है, जिसके वॉर्म का नाम क्या था, ड्रैकनकुलस मेडिनिसेस। ठीक है, वॉर्म का नाम क्या था, ड्रैकनकुलस मेडिनिसेस, जो कि कॉजिंग एजेंट था। द फीमेल ऑलवेज ले इट्स एग्स इनसाइड द वाटर आउट ऑफ द होस्ट, यानी कि एक फीमेल, यानी कि ड्रैकनकुलस मेडिनिसेस जो कॉजिंग एजेंट था, वो क्या करते थे, एग्स वगैरह को वाटर के अंदर छोड़ देते थे, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते थे, जिससे क्या हो जाती थी, डिजीज स्प्रेड होती थी अदर पीपल्स के अंदर भी। लेकिन इसके बाद में, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर 2000 के बाद में इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई पेशेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, 2000 के बाद में इसका किसी भी टाइप का कोई पेशेंट देखने को नहीं मिला, किसका, बाला एंड नारू डिजीज का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये किसके बारे में बात की हमने, वाटर के बारे में बात की थी। वाटर का यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वाटर की प्रॉपर्टीज के बाद में हमने देखा कि वाटर हमारी बॉडी के लिए किस टाइप के अंदर एडवांटेज होता है, यानी कि किस टाइप में हमें प्रॉफिट्स देते हैं। फिर उसके साइड इफेक्ट्स देखे, कॉन्टिमिनेटेड वाटर अगर हम लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप सो इतना स्टूडेंट सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, अपने ओबिसिटी के बारे में अब अपने डिस्कशन करते हैं। तो ओबिसिटी क्या है, ओबिसिटी इज दैट कंडीशन, वो कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो फैट क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर क्या होने लग जाता है, अगर स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ओबिसिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ओबिसिटी का हमें पता कैसे लगता है, तो इस बात के लिए हम किसको फाइंड करते हैं, तो बीएमआई को फाइंड किया जाता है। तो बीएमआई क्या होती है, वेट डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट एंड डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द बॉडी, तो उसको क्या बोला जाता है, तो वेट एंड डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द बॉडी। अगर इसका आंसर ध्यान में देना, अगर बीएमआई जो है आपकी 25 से 30 के बीच में है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्री ओबिसिटी की कंडीशन बोला जाता है। कौन सी कंडीशन बोला जाएगा, प्री ओबिसिटी, यानी कि ओबिसिटी आना स्टार्ट हुई है, लेकिन अबोव 30 क्या रहता है, एक रिस्क, यानी कि एक डेंजर का रेड साइन होता है। ठीक है, यानी कि मीन्स टू से, यानी कि आपका बीएमआई क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, और उसको क्या बोला जाता है, ओबिसिटी की कंडीशन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को क्या रखा जाता है, ओबिसिटी की कंडीशन में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये ध्यान देना, देखो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओबिसिटी की कंडीशन बोला जाता है। कौन सी कंडीशन बोला जाता है, इसको ओबिसिटी की कंडीशन बोला जाता है। अब ओबिसिटी की कंडीशन के अंदर ध्यान में देना, ओबिसिटी होती की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, अकेले ओबिसिटी नहीं होती, उससे काफी हार्ट की डिजीज रहती है, डायबिटीज, शुगर होने के चांस जाते हैं, स्लीप एपनिया यानी कि
नींद नहीं आती अच्छे से प्रॉपरली, यानी कि जो स्लीप रहता है यानी कि स्लीपिंग रहती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, कैंसर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इसका मेन क्या होता है यानी कि जॉइंट्स के अंदर क्या आना शुरू हो जाते हैं, पेन वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टेरियोथेराइटिस बोला जाता है। ठीक है, अब जो ओबिसिटी है, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ओबिसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द इनटेक ऑफ एनर्जी एंड ईटिंग हाई फैटी फूड। सिंपल सी बात है, यानी कि हमने क्या किया, ऐसा फूड खाया जिसको अंदर कितने टाइप की एनर्जी थी, यानी कि कितनी जूल एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी। हमने सिर्फ बर्न कितनी की, 20 जूल, तो 80 जूल क्या होगी हमारी बॉडी के अंदर, क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है, अब जब 80 जूल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइप की डिजेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यानी कि डिजेज होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब देखो देयर आर मेनी रीजंस फॉर द ओबेसिटी। ठीक है, अब बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी, एनर्जी हम ज़्यादा ले रहे हैं, बर्न हम कम कर रहे हैं, फैटी फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, ऑयली स्पाइसी फूड ले रहे हैं, सिंथेटिक फूड बाहर का फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, थायरॉयडिज्म, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक जैसी लाइफस्टाइल रखना, फिजिकल वर्क नहीं करना। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, फैट हमारी बॉडी के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन का नाम देते हैं, ओबेसिटी। कौन सी कंडीशन का नाम दिया जाता है इसको, ओबेसिटी का नाम दिया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।